हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की एक्सरसाइज है हमारी 5.4। 5.4 हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बट इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। जितने भी क्वेश्चन है, चार पांच क्वेश्चन है इसके अंदर, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी का अपना एक अलग मेथड है। ठीक है, तुम ध्यान से करेंगे एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 अप टू इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बोल रखा आपको, ये एक एपी दे रखी है और इसमें ये जब हम कम कर रहे हैं, देखो 121 था, फिर 117 हो गया, फिर 113, तो माइनस करते चल रहे हैं हम इसमें से। तो जब हम इसको डिक्रीज ऑर्डर में लेके चल रहे हैं, तो किस नंबर पे जाके ये जो है नेगेटिव टर्म देगी, ये जो एपी है किस नंबर पे जाके नेगेटिव टर्म आएगी। अब उसके लिए देखो क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 121 लेके चल पड़े हम, कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 121। डी इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास, 117 माइनस 121 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। अब हमें ए एन है, ए एन मीन्स कि एन की वैल्यू हमें निकालनी है, बट ए एन है क्या, ए एन नेगेटिव है, लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस ए पी। ए एन हमारे पास इस ए पी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब उसके लिए मैंने क्या लिखा कि ए एन हमारे पास क्या होगा, लेस देन जीरो। लेस देन अगर जीरो होगा तो इट मीन्स नेगेटिव में जाएगा, तो इसलिए क्या लिखा, ए एन लेस देन जीरो। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से लेस आनी चाहिए। अब सोल्व कर दिया, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 121 प्लस एन माइनस वन एज इट इज़, डी की वैल्यू -4 और लेस देन जीरो। जीरो से कम है तो 121 -4 की और एन की -4n, और माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन जीरो। 121 प्लस 4 125 -4 देन लेस देन जीरो। अब 125 को इधर रख लिया, -4n है। देखो जब हमारे पास अगर इक्वल साइन हो तो हम अपोजिट साइड उठा के लेके जाते हैं। इसके लिए तो हम कैसे करते हैं, 125 -4n और अपोजिट साइड में क्या है जीरो, तो +4n इधर कर देंगे, +4n इधर, 4n से सॉरी 4n इधर कर दिया हमने, इस 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा, ऐसे का ऐसे 4n बचेगा। ठीक है, तो क्या आया 125 और प्लस कर दिया तो क्या आया 4n। फिर हमें इस 4 को ख़त्म करना है, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, ये तो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 125 बाई 4, ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हमने कर लिया, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, लेस देन 125 बाई 4। जब इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया तो क्या आया 31.25। यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि n की ऐसी वैल्यू होगी कि 31.25, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास कंप्लीट वैल्यू नहीं आई, कंप्लीट वैल्यू नहीं आई तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नियरली है, देर की है तो पॉइंट्स में, पॉइंट्स में कभी हो नहीं सकती n की वैल्यू, तो इसके अप्रोक्सीमेटली लेके चलेंगे। बट अगर हम इसके अप्रोक्सीमेटली 31 लेंगे, तो 31 लेंगे तो वापस हम इसकी साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन 32 लेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी, ए एन आएगा, वो क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए क्या आ जाएगा कि n इज इक्वल टू 32, हेंस 32 टर्म ऑफ दिस ए पी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगी वो क्या आ जाएगी, 32th टर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 6। थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम क्या है, 6, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और थर्ड और सेवन्थ टर्म की प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द ए पी। अब देखो कुछ नहीं दे रखा, तो फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया अपने पास से। अब ए 3 प्लस ए 7 कितना दे रखा है, 6। ए 3 को अगर हम लिखेंगे तो ए प्लस 2d प्लस ए 7 क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 6। ए प्लस ए 2a और 2 प्लस 6 8d इज इक्वल टू 6। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 4d आ जाएगा इज इक्वल टू 6, को ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस 4d इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू निकाल ली हमने 3 माइनस 4d, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया।
उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है दूसरी, दूसरी कंडीशन क्या है इनकी प्रोडक्ट पे, इनकी प्रोडक्ट पे कंडीशन है, तो ए थ्री मल्टीप्लाई ए सेवन इज इक्वल टू एट। ए थ्री की वैल्यू हमारे पास ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई ए सेवन ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू एट आ जाएगा। यूजिंग फर्स्ट ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, थ्री माइनस फोर डी प्लस टू डी मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थ्री माइनस फोर डी प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू एट। थ्री एज इट इज माइनस फोर डी प्लस टू डी क्या आ जाएगा, माइनस टू डी। इसी तरह से थ्री एज इट इज, प्लस का सिक्स है माइनस का फोर है तो प्लस का टू डी इज इक्वल टू एट। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए नाइन आ जाएगा थ्री का स्केयर और इसका स्केयर माइनस फोर डी स्केयर इज इक्वल टू एट आ जाएगा। माइनस फोर डी स्केयर इज इक्वल टू एट एज इट इज, इधर से जाएगा माइनस नाइन आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। अब माइनस से माइनस से कैंसिल कर देंगे, डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस का वन है, इधर से माइनस फोर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा वन बाई फोर। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब स्केयर को इधर लेके आए तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाई टू, और प्लस माइनस, क्योंकि अगर प्लस का स्केयर करेंगे तब भी वन बाई फोर, माइनस का स्केयर करेंगे तब भी वन बाई फोर। अब d की वैल्यू हमारे पास दो आई तो दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं। इफ़ d इज इक्वल टू वन बाई टू, अगर हो सकता है d की वैल्यू वन बाई टू पॉजिटिव है तो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a हमारे पास क्या था, थ्री माइनस फोर डी, थ्री माइनस फोर डी की वैल्यू वन बाई टू, टू टू जहाँ फोर, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन आ गया। s 16 निकालना है तो 16 निकालने के लिए n बाई टू, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला है कि हमें सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना था। 16 बाई टू इंटू टू, ए की वैल्यू 1 प्लस एन, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 बाई टू, टू से कैंसिल हो जाएगा 8 आएगा, 2 वन जै 2 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई 1 बाई टू, 2 8 जै 16 प्लस 8 और 15 की 120 और 120 बाई टू, टू से इसको कैंसिल कर देंगे 60 आ जाएगा, 16 प्लस 60 76 आएगा हमारे पास। इसी तरह से फिर हमारे पास d की दूसरी वैल्यू क्या थी, माइनस वन बाई टू, जब हमने माइनस वन बाई टू अप्लाई किया तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 और d की जगह माइनस वन बाई टू, टू टू जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 प्लस 2 5। अब s 16 निकाल लेंगे, 16 बाई टू इंटू टू, ए की वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस वन बाई टू, 16 बाई टू 8 आ जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू 10, 8 जा 80 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 10 की और 8 की और 15 की मल्टीप्लाई 120 बाई 2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 60 आ जाएगा हमारे पास, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। हमारे पास दो डी आई तो इसीलिए एस 16 की वैल्यू भी हमारे पास दो आ जाएंगी, एक 76 आ गया और एक 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। देखो लैडर होती है हमारे पास सीडी, एक सीडी दे रखी है और मान लिया इस टाइप से आपकी जो सीडी है वो इस टाइप से दे रखी है आपको, यहाँ पे जो है ये लेंथ जितनी भी आगे तक चलते जाएंगे ऐसे बढ़ती जाएगी हमारे पास ये लेंथ, तो ये जो सबसे ऊपर है ये कितनी दे रखी है 25, बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप एंड, ये हमारे पास कितनी 45 सेंटीमीटर। इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच में ये जो हमारे पास है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2.5 मीटर। What is the length of the wood required for the rungs? इन rungs को बनाने के लिए हमें कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी ये पूछ रखा है तो इसके लिए हम टोटल निकाल देंगे, सभी का सम निकाल देंगे, इंक्रीज हो रही है हमारी और हर एक के बीच की डिस्टेंस आपको दे ही रखे। डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम rungs इज 2.5 मीटर, अब हमें डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच के 2.5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रंग्स इज 25 सेंटीमीटर, कोई भी दो रंग्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है रंग्स। द नंबर ऑफ रंग्स, तो इसलिए हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इन्होंने क्या दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर है क्या उनके बीच में डिस्टेंस है, तो क्या कर दिया 2 2 जब
फोर और वन फाइव बाई टू, इनके बीच की डिस्टेंस हमने निकाल दी थी, तो हमारे पास उसके लिए हम नंबर ऑफ रंग्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ रंग्स के लिए हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है टू एंड हाफ मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई और हर एक के बीच की डिस्टेंस हमें पता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टू टू जा फोर एंड वन फाइव बाई टू, ये हमारे पास मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देंगे, 2 से हमने कैंसिल कर दिया 50, 50 की और 5 के 250। अब 250 इनके बीच की डिस्टेंस है और हर एक के बीच की कितनी है 25, तो डिवाइड कर देंगे 25 से, 25 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा और प्लस 1, 1 हमारे लिए क्या कि यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक के हमारे पास डिस्टेंस आ गई, बट जो हमारे पास इससे नीचे भी तो डिस्टेंस होती है जो हमारे पास लास्ट होती है, इसीलिए हम इसके अंदर क्या कर देंगे प्लस से 1 कर देंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस तो शो होती ही नहीं हमारे पास। 10 प्लस 1 11, तो टोटल हमारे पास रंग्स कितनी है जिस जो इसके अंदर लगे हुए हैं, ये 11। तो हम क्या निकाल देंगे, सम ऑफ 11 टर्म्स निकाल देंगे। देखो कैसे, द लेंथ ऑफ रंग्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। 25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक बढ़ रही है रंग्स की, तो पहली 25 और लास्ट 45 है, तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर और लास्ट टर्म, लास्ट हमारे पास कितनी है 11, तो ए 11 हमारे पास कितना आएगा 45। ए 11 का हमने फॉर्मूला लगाया, ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ए 11 की वैल्यू 45 इज इक्वल टू ए 25 प्लस 10 डी की वैल्यू एज इट इज। 10D को इधर रख लिया, 45 माइनस 25 हो जाएगा 20 आया, D इज इक्वल टू 20/10 2, D की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। लेंथ ऑफ वुड निकालना है हमें, उस लकड़ी की जितनी भी लकड़ी लगी हुई है उसकी टोटल लेंथ है। अब S11 इज इक्वल टू 11/2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, 11/2 2, ए की वैल्यू हमारे पास 25 प्लस 11 माइनस 1 10 और डी की वैल्यू 2, 11/2 2 और 25 50 प्लस 10 टू जा 20, 11/2 50 प्लस 20 70, 2 से कैंसिल कर देंगे 35 और 11 मल्टीप्लाई 35 कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। तो टोटल जो उसके अंदर लकड़ी लगी उसकी लेंथ कितनी है 385 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेज ऑफ ए रो आर 100 कॉन्जिकेटिवली फ्रॉम 1 to 49। हम ये दे रखा है हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिकेटिवली फ्रॉम 1 to 49 n है ये हमारे पास है। किसी एक रो में हाउस है, जैसे घर होते हैं हमारे पास, कोई भी कभी भी हम सेक्टर वगैरह में देखते हैं तो कंटिन्यू हमारे जो घर होते हैं ना उसकी तरह दे रखा है कि कोई एक रो है, ठीक है, उसके अंदर जो हाउसेज हैं उन पे हमने नंबर मार्क कर दिए 1 से 49 तक। शो दैट देर इज द वैल्यू ऑफ x सच दैट, हमें उस x की वैल्यू को दिखाना है क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x है। एक जो घर है उस पे x लिख दिया और ये बोल दिया कि वो कौन से नंबर का घर है कि उससे इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, कि उस नंबर से पहले वाले जो उन सभी का सम और उसके बाद वाले जितने भी उन सभी का सम इक्वल है, तो क्या है वो जो हाउस का नंबर है वो कौन सा नंबर है, फाइंड द सम ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। देखो हमारे पास, मैंने ये मान के चल पड़े ऐसे है, ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्स। अब ये एक्स हमें नहीं पता कितने नंबर पे हैं, इससे इधर भी है और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 1 से 49 तक हैं, तो हमारे पास ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि टोटल कितने हैं 49 है, तो S49 निकाल लिया हमने कि टोटल जो है वो निकाल लिए, उसमें से माइनस कर देंगे SX कि S से लेके सम ऑफ X टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई X टर्म्स हो गई हमारी यहाँ तक, तो S X हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा SX माइनस 1 कि इसको भी हटा दिया, फिर हमने इसके अलावा जितनी भी बच गई इधर उनका सम आ जाएगा, तो उनका सम आ जाएगा तो हमें इस X की वैल्यू मिल जाएगी कि ये X है, ये है क्या, इसीलिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो कैसे,
ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि हर एक वन से हमने नंबर स्टार्ट किया है और हर एक घर पे 1 2 3 कंटिन्यू नंबर्स हैं। डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वन। एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला एन बाई टू 2a + n - 1 × d। अब हमें फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है, एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू s49 - sx। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, यहाँ टर्म कितनी है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन बाई टू इंटू 2a + x - 1 - 1 × d इज इक्वल टू s49, 49 बाई 2 2a + 48 d माइनस एस एक्स एक्स बाई टू 2a + x - 1 × d। इसको मैंने एज इट इज रख लिया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 × a की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1 + x - 2 हो जाएगा और d की वैल्यू 1, 49 बाई 2, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1 अप्लाई कर दी, माइनस x बाई टू ए की वैल्यू 1 प्लस एक्स माइनस वन और डी की वैल्यू 1। एक्स माइनस वन बाई टू, 2 1 जा 2 प्लस एक्स माइनस टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स माइनस वन बाई टू इंटू एक्स। इधर 49 बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 48 माइनस एक्स बाई टू, 2 1 जा 2 प्लस एक्स माइनस वन। 49 बाई 2 मल्टीप्लाई 48 + 2 50 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे हम इसको, क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल करके क्या है, 25। 2 से कैंसिल करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास सभी के डिवाइड में है 2, तो इसलिए हम इसको कैंसिल ही कर देंगे, छोड़ो इसको कैंसिल मत नहीं करेंगे भाई, एज इट इज छोड़ लेंगे, माइनस एक्स बाई टू और इधर से क्या आ जाएगा, एक्स एज इट इज़ 2 में से बन जाएगा 1। अब देखो सभी के डिवाइड में 2 है तो 2 को हमने कर दिया कैंसिल, कि इधर से भी एलसीएम 2 आ जाएगा, उधर से भी एलसीएम से एलसीएम खत्म, क्या आया, x माइनस वन इंटू एक्स इधर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2450 माइनस एक्स स्केयर और माइनस एक्स, इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्केयर इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस एक्स, इनको इधर लेके आए, माइनस था प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू एज इट इज, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया, 2x² इज इक्वल टू 2450, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2450 बाई 2, 2 से इसको कैंसिल किया, 1225। अब x से इधर लेके आएंगे स्केयर को तो रूट हो जाएगा, और ये किसका रूट है, 35 का, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 35, कि जो हमारे पास 35 नंबर का जो घर है उससे अगर इधर वाले नंबर्स को टोटल करोगे तब भी, और उससे इधर वाले नंबर से है जो उनको टोटल करोगे तब भी दोनों का इक्वल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए स्मॉल ट्रेस ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड कंपेरिज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ, ए स्मॉल ट्रेस, ट्रेस होता है चबूतरा जो हम बना देते हैं, फुटबॉल का एक ग्राउंड है उसके अंदर एक चबूतरा बना हुआ है और जिसके अंदर कितनी है 15 स्टेप्स, सीढ़ियाँ, क्या है, सीढ़ियाँ, उसके अंदर कितनी है 15, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, और हर एक सीढ़ी कितनी लंबाई की है 50 मीटर, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, और एक सॉलिड जैसे सीमेंट वगैरह से होती है ना सॉलिड, उससे भरी हुई है वो, ये नहीं है खोखली है, अंदर तक भरी हुई है वो, हर एक स्टेप से, हर एक सीढ़ी से, ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, और हर एक स्टेप है, अब जैसे फर्स्ट हमारे पास इतनी है तो दूसरी हमारे पास क्या आ गई, इससे 1/4 ऊपर आ जाएगी, वो उससे ऊपर, वो उससे, इतनी इतनी कितनी कितनी बढ़ती जाती है हर बार, 1/4 मीटर पहले वाली से दूसरे वाली ज़्यादा हो जाएगी, एंड ए स्ट्रेट 2 1/2 मीटर, और देखो हमें क्या मिल गया, राइज मीन्स बढ़ना, बढ़ा दी हमने कि उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, और इस पूरा का पूरा जब हमने चेक किया ये कि हमें लेंथ भी मिल गई, लंबाई तो हमें दे रखी है 50 मीटर है, और ये हमारे पास क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई कि 1/4 मीटर वो बढ़ रही है, और थ्रेड 2 1/2 मीटर, और उसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास कितनी है 1/2 मीटर, थ्रेड मीन्स चौड़ाई उसकी, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द ट्रेस, उस टोटल को बनाने के लिए हमारे पास कितने कंक्रीट का कि वॉल्यूम निकालने की, टोटल वॉल्यूम क्या होगी उस कंक्रीट की, अब पहले हम एक जो हमने ऐसे पट्टी सी बना रखी है उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर दूसरी है उसको उसकी का 2 टाइम्स हो जाएगी, तीसरी में उसका 3 टाइम्स हो जाएगी, कैसे, देखो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ द बिल्ड द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा उसके लिए हमारे पास कितना है,
देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड शेप होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 1/4, सॉरी लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 50। ब्रेथ हमारे पास है 1/2 और हाइट हमारे पास 1/4 दे रखी है। इसको जब हमने सोल्व किया, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 25, तो क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू द, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 एज इट इज, और यहाँ भी आएगा 2, मैंने कैंसिल कर दिया था इसीलिए। रिक्वायर्ड टू सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ 1/4 था उसका डबल हो जाएगा ना, जितना वो था उतना ही और भी लगेगा उसके ऊपर, 2/4, और पूरा का पूरा और तो हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि ब्रेथ भी वही रहेगी और हाइट लेंथ भी वही रहेगी, सिर्फ हाइट हाइट बढ़ती जाएगी कि पहले वाली से ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि पूरी की पूरी नीचे से बेसिक है हमारे पास। मल्टीप्लाई 50, इसको हमने सोल्व किया, 2 से हमने इसको कैंसिल कर देंगे 25 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 2/4 मल्टीप्लाई 25। वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 25, इसको कैंसिल कर दिया 25 आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 25। अब देखो तीन स्टेप आ गए हमारे पास, तीन स्टेप के बाद हमने क्या ले लिया, फर्स्ट स्टेप ए हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 25, सेकेंड स्टेप, अब लास्ट हमारे पास ऐसे ही निकालते निकालते ए 15 तक पहुंच जाएंगे क्योंकि टोटल स्टेप कितने हैं, 15। तो 15 के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए 1 है यहाँ पे, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, तो 15 के लिए 15/4 मल्टीप्लाई 25। डी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 2/4 मल्टीप्लाई 25 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 25, दोनों में से 25 कॉमन आ गया, 2/4 माइनस 1/4, इसमें से माइनस कर देंगे 1/4, तो क्या आ जाएगा, 25/4। हमने इसको अप्लाई किया एस 15 क्योंकि हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, 15/2 एन बाई टू, टू ए की वैल्यू 15/4 प्लस एन माइनस 1, 15-1 इंटू डी की वैल्यू 25/4, 15/2 25, 2 से कैंसिल अगर करें तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज 4 है यहाँ भी, और पूरे का क्या कर लेंगे हम एलसीएम, सेम हो जाएगा। 2 से इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया 50/4 प्लस 15-1 14 मल्टीप्लाई 25/4 15/2, इसको पूरे का अगर हमने एलसीएम लिया 50 आया, ये 4 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 प्लस 14 मल्टीप्लस 25 350, दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा, 15/2 मल्टीप्लाई 400/4, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 100, 2 से इसको कैंसिल किया 50, 50 और 15 के मल्टीप्लाई 750 मीटर क्यूब। तो टोटल उनको बनाने के लिए जो वॉल्यूम लगी थी, कितना कंक्रीट लगा था उसका, हमारे पास कितना आया, 750 मीटर क्यूब वॉल्यूम थी, इसलिए हम मीटर क्यूब में शो करेंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4। ओके, थैंक यू।